हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नमिता आहूजा ऑफिशियल। गाइस, जैसे जैसे जेईई मेन का एग्जाम नजदीक आ रहा है, बच्चों में स्कोर को लेकर के कि किस स्कोर पर कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं उसको लेकर के क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात करी थी कि इंडिया के टॉप 10 NIT में अगर आप कोर ब्रांच कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तक लेना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको स्कोर के हिसाब से टारगेट का प्लान करना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया के किसी भी NIT, क्योंकि 31 NIT है, तो 31 NIT के हिसाब से आप कैटेगरी वाइज अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्या स्कोर का प्लान करके चले कि आपको इंडिया के 31 या किसी भी NIT में कोर ब्रांचेस मिल पाए। तो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं कैटेगरी के हिसाब से आज के इस वीडियो में कि आप क्या टारगेट लेकर के चलें कि इंडिया के किसी भी NIT में आपको कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच मिल पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। दो तिरछी, वारंगल, सूरत कल, इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस या फिर IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल तक ब्रांच कोर ब्रांच के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं तो उनको 250 से 160 मार्क्स के हिसाब से टारगेट का प्लान करना चाहिए। हालांकि फिर आपको एक बात कह देता हूं कि जो आपको मैं एक स्कोर के हिसाब से रेंज बता रहा हूं उसमें आप 10 से 15 नंबर हायर साइड में और 10 से 15 नंबर आप लोअर साइड में डिफरेंस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल वेरी करेगा। राउरकेला, जयपुर, कालीकट, नागपुर के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप कोर ब्रांच का प्लान करते हैं तो आपको 230 से 160 मार्क्स। नागपुर, कुरुक्षेत्रा, सूरत, दिल्ली के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 200 से 150 मार्क्स। भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, जलंधर के लिए 180 से 145 मार्क्स। हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर के लिए 165 से 140 मार्क्स। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी के लिए 165 से 135 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और कोर ब्रांच जो कि मैंने आपको अभी समझाई है अगर आप लेना चाहते हैं। मेघालय, अगरतला, श्रीनगर के लिए 160 से 130 मार्क्स। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय के लिए 145 से 120 मार्क्स के हिसाब से आपको टारगेट का प्लान करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और इंडिया में आप NIT के अंदर कोर ब्रांच लेना चाहते हैं। यानी अगर मैं शॉर्ट में इसको समराइज करूं तो 120-130 से ऊपर मार्क्स के हिसाब से आपको प्लान करना होगा ताकि आपको किसी भी NIT में कोर ब्रांच मिल पाए। बात कर लेते हैं EWS के नेट, जिसको इस बार 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है। अगर वो तिरछी, वारंगल, सूरत के इलाहाबाद में कोर ब्रांच का प्लान करें तो उनको 240 से 150 मार्क्स के बीच के हिसाब से प्लान करना चाहिए। फिर एक बात बोलता हूं, हायर साइड और लोअर साइड में 10 से 15 नंबर का पेपर का डिफिकल्टी लेवल होने के कारण वेरिएशन आ सकता है। राउरकेला, जयपुर, कालीकट में EWS कैटेगरी के बच्चों को 200 से लगभग 150 मार्क्स के आसपास का प्लान करना होगा। नागपुर, कुरुक्षेत्रा, सूरत और दिल्ली के लिए लगभग EWS कैटेगरी वाले बच्चों को 180 से 145 मार्क्स के बीच के आसपास का प्लान करना होगा। भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, जलंधर के लिए EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को लगभग 170 से 140 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर के लिए 165 से 135 मार्क्स। EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी के लिए 155 मार्क्स से 130 मार्क्स के बीच के हिसाब से टारगेट का प्लान करना होगा। इसके साथ साथ मेघालय, अगरतला, श्रीनगर के लिए EWS कैंडिडेट को 150 से 125 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और सबसे लास्ट के NIT में नागालैंड जैसे NIT, अगर आप कैटेगरी EWS है तो आपको 140 से 115 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा अगर आपकी कैटेगरी EWS है। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट बच्चे बहुत ध्यान से सुने, अगर वो तिरछी, वारंगल, सूरत, कल, इलाहाबाद में कोर ब्रांचेज जिसमें CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT, मैकेनिकल तक के हिसाब से अगर वो प्लान करते हैं तो उनको 220 से 155 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। राउरकेला, जयपुर, कालीकट में OBC के स्टूडेंट को लगभग 200 से 145 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। नागपुर, कुरुक्षेत्रा, सूरत, दिल्ली के लिए ओबीसी कैटेगरी को लगभग 140 नंबर के हिसाब से प्लान करना होगा। भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, जलंधर के लिए 170 से करीबन उनको 140 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर के लिए 155 मार्क्स से लगभग उनको 140 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी के लिए उनको 140 से 135 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। मेघालय, अगरतला, श्रीनगर के लिए लगभग 135 मार्क्स से मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 125 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना होगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में नागालैंड जैसे NIT के लिए OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट अगर कोर ब्रांच के हिसाब से प्लान करते हैं
तो उनको 135 से 120 नंबर के हिसाब से प्लान करके चलना होगा। अगर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट इंडिया के टॉप 10 एनआईटी में सीएस या फिर कोर ब्रांचेस के हिसाब से प्लान करते हैं तो उनको 170 से, जैसे कि मैं अगर मैं साथ साथ एक साथ बात कर लूं, तिरुची, वारंगल, सूरत, इलाहाबाद, राउरकेला, जयपुर, कालीकट, नागपुर और कुरुक्षेत्र जैसे एनआईटी और सूरत जैसे एनआईटी में अगर एससी कैटेगरी है और वो कोर ब्रांच के हिसाब से प्लान करते हैं तो उनको 170 से करीबन 100 मार्क्स के हिसाब से प्लान करना चाहिए। इस बीच अगर उनके मार्क्स आते हैं तो इंडिया के टॉप 10 एनआईटी में उनको कोर ब्रांचेस मिल सकती हैं। पैरेलल टॉप 10 एनआईटी छोड़ के अगर भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, हमीरपुर, गोवा, मैं इनके लिए रेंज इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि एससी कैटेगरी है तो बहुत डिफरेंस आता है। रायपुर, सिलचर, उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी तक के हिसाब से अगर वो कोर ब्रांच का प्लान करते हैं तो उनका उनके 110 से लगभग 80 मार्क्स भी हैं और एससी कैटेगरी है तो उनको कोर ब्रांचेस मिलने की संभावना है। अब इंडिया के लगभग ये टॉप 20 से 25 एनआईटी छोड़ के नीचे के एनआईटी जिनमें मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जैसे एनआईटी शामिल है तो अगर उनका 95 से अगर 70 मार्क्स भी आता है और एससी कैटेगरी है तो उनको कोर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर इंडिया के टॉप 10 एनआईटी जैसे कि मैंने एससी कैटेगरी के लिए बनाया, अगर वो कोर ब्रांचेस के हिसाब से प्लान करते हैं तो उनके 160 से अगर 100 मार्क्स के बीच में भी है तो उनको आराम से इंडिया के टॉप 10 एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर सूरत, दिल्ली, भोपाल, दुर्गापुर, जमशेदपुर, जलंधर, हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर, उत्तराखंड जैसे एनआईटी में कोर ब्रांचेस के हिसाब से प्लान करते हैं तो उनको 120 से अगर उनका 70 मार्क्स तक भी रेंज में कहीं आता है तो कोर ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। और इंडिया के टॉप 20 एनआईटी छोड़ के अगर वो नीचे के एनआईटी जिनमें उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी, मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड जैसे एनआईटी शामिल है और उनकी अगर एसटी कैटेगरी है तो अगर उनका लगभग 90 मार्क्स से 65 मार्क्स भी अगर आता है तो कोर ब्रांचेस मिलने की संभावना बन सकती है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। 31 एनआईटी में मैंने आपको टारगेट दिया कि अगर आप कोर ब्रांचेस लेकर के चलना चाहते हैं तो आपको किस रेंज के हिसाब से क्या प्लान करके चलना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत अच्छा अवेलेबल है। और वैसे तो अभी देखा जाए तो फरवरी का एग्जाम है, फिर मार्च, अप्रैल और मई में भी आपके पास अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर टाइम अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड की डेट रिलीज हो चुकी है तो अब आपका जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम इस साल देने का प्लान कर रहे थे तो 2021 के लिए भी गवर्नमेंट ने एनआईटी, आईआईटी से टॉप 20 परसेंटाइल और 75 की एलिजिबिलिटी को हटा दिया है। तो 12th पास अगर आपका है तो इस साल आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन 2021 के अंदर ले सकते हैं। चलिए गाइस, करियर के सारे अपडेट्स के लिए आपके बीच लगातार लाइव आता रहूंगा। अपनी खूब अच्छी मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।